हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हर रोज़ आप कुछ नई इंटरेस्टिंग या फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए चलते हैं आप इस वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन बच्चों की, उन माता पिताओं, जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को अपने लिए एक बोझ समझते हैं और उनको घर से निकालते हैं। कई बार आपने कई वीडियो देखी होंगी जो वायरल हो चुकी हैं कि किसी बेटे ने अपनी माँ को मार दिया या फिर बूढ़े बाप को बाहर घर से निकाल दिया, ऐसी बहुत सी। पर आज उनके लिए ये वीडियो एक सबक होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन जैसे जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं वो इस वीडियो से कुछ सीख सकें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं इस वीडियो की सफ़र की तरफ। आपको मैं ये सीख एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार क्या हुआ, एक लड़की और लड़के ने निश्चय किया कि हम दोनों शादी करेंगे। तो जो लड़के के घर वाले थे वो तो तैयार हो गए, ठीक है, पर जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने मना कर दी कि हम शादी नहीं करना चाहते। पर जब लड़की ने जोर जबरदस्ती की, मतलब उसने अपने घर वालों को कहा कि मैं मर जाऊंगी या फिर फांसी लगा लूंगी, कुछ भी, ठीक है, तो उनके माता पिता ने एक तरकीब निकाली, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे उस लड़के के साथ शादी करवा देंगे, पर हमारी एक शर्त है। तो जो लड़की वाले थे और जो लड़की थी और जो लड़के वाले थे, उन सभी ने कहा कि ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, बताइए आपकी शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी बारात आएगी तो उसमें कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसी शर्त है, पर उन्होंने सोचा चला अच्छा, हम बूढ़ों को नहीं ले आएंगे तो शादी तो हमारी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने हाँ कर दी और लड़के वाले अपने घर के चले गए। पर जब वो घर जाके उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो बाकी तो सभी तैयार हो गए। पर जो लड़के का नाना था, पता है आपको, जैसे किसी के घर में अपने रिश्तेदारी में शादी हो तो सभी इतने ज़्यादा खुश होते हैं और कितने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसे ही बेचारे उनके वो नाना भी खुश होंगे कि मैं भी अपने बच्चे की शादी में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। पर जब उसे पता लगा कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि कोई भी बूढ़ा आदमी शादी में नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नाना जी आप तो नहीं चल सकते क्योंकि आप बूढ़े हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो शादी में जाऊँगा ही जाऊँगा। तो उन्हीं नाना ने एक तरकीब बताई उनको कि ऐसा करते हैं कि आप मुझे एक बड़े से ढोल में लेके जाओ, और ढोल तो शादी में जाना ही होता है, मतलब ले जाना ही होता है, ढोल तो जरूरी होता है, उससे बजाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बड़े से ढोल में छुप जाना, आपको ले चलेंगे। वैसे ही वो नाना उस ढोल में, बड़े से ढोल में छुप गए और वो भी बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुँच गए। उसी समय वो बेटी का पिता आ गया और उसने कहा कि आप मेरे घर में अंदर तभी आ सकोगे, आप मेरी लड़की से भी शादी तभी कर सकोगे जब आपको, उनके घर के नज़दीक नदी जा रही थी, इस नदी में जितना पानी है उतना आप दूध बहा दोगे तो आप मेरी लड़की के साथ विवाह कर सकते हो। तो वो सभी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जितना इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा हम दूध कहाँ से लाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। वो थोड़े गुस्सा हुए, उन्होंने समझाया, पर लड़की का पिता जो बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा कि हम शादी तभी करेंगे जब आप हमारी शर्त को पूरा करोगे कि जितना नदी में पानी बह रहा है उतने आप इसमें दूध, मतलब उतना ही इसमें दूध बहाओगे तो हम इस शादी के लिए राजी होंगे और आप मेरी लड़की के साथ विवाह कर सकते हो। उन सभी ने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो अब घर चलते हैं। और जहाँ पे वो बड़ा सा ढोल रखा था जिसके अंदर नाना जी छुपे हुए थे, उन्होंने कहा कि नाना जी आप ढोल के बाहर निकल आइए। तो नाना जी ने पूछा कि शादी हो गई इतनी जल्दी या फिर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि नाना जी ऐसा ऐसी बात है और अब तो शादी हो नहीं सकती। तो नाना जी बोलने लगे क्यों नहीं हो सकती शादी, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तो नाना जी ने एक आइडिया दिया जिनसे उनकी शादी बहुत ही अच्छे तरह से कम्प्लीट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे वो आइडिया क्या है, मैं आपको वो आइडिया इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। अगर आपको वो आइडिया जानना है कि नाना जी ने वो क्या बात बताई थी, तो आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी।
इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो क्या आइडिया था वो आप जान सकें। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है हमें अपनों से बड़ों की और बूढ़े आदमी उनका हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि उनको तो जितना ज़्यादा हमें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज्ञान होता है। जब भी आप देखो कोई कितना भी ड्राइविंग सीख ले एक महीना बहुत अच्छे तरीके से तब तक वो उतना परफेक्ट ड्राइवर नहीं होता जब तक वो एक साल उसको गाड़ी को अच्छी तरह से नहीं चला पाए। तो आप इससे ये तो समझ गए होंगे कि आपको बूढ़े आदमी की हमेशा कदर करनी चाहिए। तो अगर आपको इस आइडिया को जानना है कि उस बूढ़े आदमी ने उसको क्या आइडिया दिया था कि जिससे उसकी शादी हो गई तो हमारे अगली वीडियो जो आनी है उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पता है वो क्या आइडिया था तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए आप चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। तो आज की अच्छी बात ये है कि आपने देखा होगा कई आदमी मुंह फट होते हैं। मुंह फट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में खाने के लिए गए हैं और वो कह देंगे कि बहन जी आज तो सब्जी कुछ स्वाद नहीं बनी थी, कुछ ऐसी नहीं थी, उसमें नून कम था, ये कम था। आपको ये गलती कभी नहीं करनी क्योंकि जहाँ पर आप जाओगे वो आपके रिश्तेदार ही हैं ना, उनसे भी गलती हो जाती है, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो जाती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना क्योंकि हर किसी से गलती हो जाती है। उसको ये समझा सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा ये होता तो अच्छा लगना था, पर एकदम से नहीं ये कैसे भी नहीं गलत, ये नहीं स्वाद है, कुछ ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना क्योंकि इससे आपकी इज्जत भी कम होगी। क्या होगा एक दिन आप नमक थोड़ा सा कम खा लोगे तो कुछ घट तो नहीं जाएगा। तो होप नहीं आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह से मोटिवेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।